और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं विज्ञान भवन की, सीधी तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का विरोध हुआ है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एस एच माय कैबिनेट। और आपको दिखाते किस तरह से विरोध हुआ है विज्ञान भवन में। देखिए आप शर्ट उतारकर इस व्यक्ति को नारे लगाते हुए अपनी बात कहते हुए आपने देखा इस शख्स को मांग रखते हुए चिल्लाते हुए विरोध करते हुए बढ़ी हुई कीमतें वापस लिए जाने की मांग यहां पर रखी जा रही है। इस तरह से विरोध प्रदर्शन हुआ विज्ञान भवन, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डीजल पर जो वृद्धि की गई है उसे वापस लो ये मांग रखते हुए इस शख्स को जिसे बाद में बाहर ले जाया गया। तो आप देख रहे हैं किस तरह से विरोध हुआ है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का विरोध किया है शख्स ने। विज्ञान भवन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जहां से हमारे साथ हमारे संवाददाता रवि धीमान जुड़ गए हैं। रवि, ये प्रदर्शन हमने देखा इस शख्स, अभी इस वक्त पता नहीं चल पाया है कि ये शख्स कौन है, लेकिन इतना जरूर है इसने विरोध प्रदर्शन किया वहां पर, अपनी कमीज उतारकर अपने टेबल पर खड़ा हो गया और पीएम के भाषण से ठीक पहले इसने ऐसा किया जिससे पूरी तरह से विज्ञान भवन में एकदम सनसनी फैल गई। और फिलहाल इस शख्स के बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इतना जरूर है कि पीएम के भाषण से ठीक पहले अगर इसने हंगामा किया है तो ये प्री प्लान था, ये पहले से सोच कर आया था कि ऐसा हंगामा करेगा और जिसकी वजह से यहाँ पर तमाम जो पूरी सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो पूरे आयोजक हैं, वे भी सन्नाटे में हैं, वे भी काफी सकते में है कि ऐसा कैसे हो गया। बिल्कुल रवि, हमने देखा यहाँ पर 10 सेकंड, कम से कम 10 सेकंड ये शख्स अपनी बात कहता रहा, इसको किसी ने तब रोका नहीं। शायद किसी को पता नहीं था कि इस तरह कुछ हो सकता है, इस तरह से ये आदमी अपनी शर्ट उतारकर ये नारे लगा सकता है, विरोध जता सकता है। जी बिल्कुल, देखिए विज्ञान भवन काफी बड़ा हॉल है, जहाँ तक पीएम की सुरक्षा का सवाल है वो स्टेज के आसपास सुरक्षा रहती है और चूंकि विज्ञान भवन में आने के लिए काफी चेक होते हैं, विज्ञान भवन में आने के लिए तमाम तरह के कार्ड चेक किए जाते हैं, पत्रकारों के कार्ड चेक किए जाते हैं, जिनको इनविटेशन मिला होता है उनके इनविटेशन कार्ड चेक किए जाते हैं, तो ऐसे में ये शख्स वही शख्स है जिसको इनविटेशन मिला होगा, जिसको किसी ने बुलाया होगा, इनविटेशन के बाद यहाँ पर आया होगा और ऐसे में अगर ये शख्स इस तरह का हंगामा करता है तो कहीं ना कहीं जो परेशानी है वो शख्स को लेकर है, कहीं ना कहीं सुरक्षा की इसमें कमी नहीं कही जा सकती क्योंकि सुरक्षा बल जो है वो प्रधानमंत्री के आसपास सुरक्षा घेरा बनाकर रहते हैं, उनको इस बात की उम्मीद नहीं होती कि कोई शख्स इस तरह का हंगामा विज्ञान भवन के अंदर करेगा। फिलहाल इस शख्स को विज्ञान भवन से बाहर लेकर जाया गया है और तहकीकात हो रही है कि आखिर ये शख्स कौन है और किस मकसद से यहाँ पर आया था।